तो दोस्तों, टाटा मोटर्स के प्लांट विजिटिंग पार्ट टू में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों को किस तरीके से मैन्युफैक्चर करता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों को किस तरीके से टेस्टिंग्स करता है, यानी कि ERC के बारे में, इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर के बारे में। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ पे रिसर्च की जाती है, यानी इंजन टेस्टिंग, टॉर्क टेस्टिंग, NVH टेस्टिंग, क्लाइमेट कंट्रोल, स्पीड वेलोसिटी ट्रैक्स वगैरह की सारी जांचें यहाँ पे होती है। और दोस्तों, भारत की पहली क्रेश टेस्टिंग की फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। आज का वीडियो हम लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। हम आ चुके हैं दोस्तों टाटा मोटर्स प्लांट पुणे में, जहाँ पे आप लोगों को ये सारे क्लिप्स देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा टाटा मोटर्स को, जिनने इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट किया यहाँ पे और हम लोगों को मौका दिया अपने ऑडियंस को ये सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच टाटा मोटर्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इंजन टेस्टिंग डिवीजन, यानी कि दोस्तों, एक साउंड प्रूफ रूम में इंजन को लगा दिया जाता है और हर एक इंजन की 124 पैरामीटर पर टेस्टिंग्स की जाती है, जैसे कि स्मोक टेस्टिंग, टेम्परेचर टेस्टिंग और टॉर्क टेस्टिंग जैसे आदि बहुत सारे टेस्टिंग्स यहाँ पे किए जाते हैं। और दोस्तों, ये वाला जो रूम है बिल्कुल साउंड प्रूफ होता है, अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाती, बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती, इस टाइप से ये रूम को डिज़ाइन किया गया है। और दोस्तों, मेटेलिक फाइबर ग्लास से ये रूम बनाया गया है, जिसको एक अलग ही लेवल पर डिज़ाइन किया गया है। टॉर्चर ट्रैक, यानी दोस्तों, हर एक गाड़ी को यहाँ पे उबड़ खाबड़ रस्तों में चलाया जाता है, टेढ़े मेढ़े रस्तों में चलाया जाता है और जांचा जाता है कि गाड़ी इन रस्तों पे चलने के क्षम है कि नहीं। और दोस्तों, हमने भी यहाँ पे टाटा सिग्मा के अंदर चल के ट्राई किया कि किस तरीके से अंदर बैठे पैसेंजर को फील होता है उबड़ खाबड़ रस्तों में और टेढ़े मेढ़े रस्तों में। एनोनोमिक चैम्बर NVH, नॉइस वाइब्रेशन हार्मनेस, यानी दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों, ये रूम जो बना हुआ है साउंड प्रूफ बना हुआ है, इस चैम्बर की बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती, अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाती, यानी नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी के यहाँ पे यूज़ किया गया है। और दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है 20 से 30 साल पुरानी है, जिसका आज भी यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो इस चैम्बर को बनाने के लिए स्टील वूल्स का यूज़ किया गया है, जिससे साउंड कैंसिलेशन की जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है वो यहाँ पे कैंसिल कर देता है और बाहर साउंड जाने नहीं देता। और दोस्तों, यहाँ पे भी आपको इंजन और गाड़ी के कंपोनेंट्स के सारे चेकअप्स होते हैं, यानी कि वाइब्रेशन, नॉइस और हार्नेस जैसी चेकअप्स वगैरह इस चैम्बर में किए जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूँ, भारत का पहला एनोनोमिक चैम्बर है ये दोस्तों, जो कि टाटा मोटर्स के प्लांट में अवेलेबल है। क्लाइमेट कंट्रोल लैब, यानी दोस्तों, वेदर कंडीशंस की जांच की जाती है। भारत का सबसे पहला क्लाइमेट कंट्रोल टेस्टिंग लैब है दोस्तों ये वाला। -40 से लेके +50 डिग्री तक का सारे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल टेस्टिंग्स की जाती है। और दोस्तों, गाड़ी के अंदर एकदम से धूप आने का और एकदम से ठंड पड़ने पे गाड़ी के इंजन पे कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, और गाड़ी के इंटरनली और एक्सटर्नली सारे चेकअप्स वगैरह इस लैब में किए जाते हैं। और दोस्तों, कोल्ड वाले चैम्बर में जाने के लिए एक ड्रेस का उपयोग करा जाता है, जिसके कलर्स का कुछ ऐसा नहीं है कि ऑरेंज ही हो, उसमें ब्लू भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, कैसी भी ड्रेस का उपयोग किया जा सकता है। और यहाँ पे लद्दाख जैसी ठंड पड़ती है। स्पीड वेलोसिटी ट्रैक, यानी दोस्तों, यहाँ पे स्पीड टेस्टिंग की जाती है, हाई स्पीड टेस्टिंग की जाती है, ब्रेकिंग कैपेसिटी चेक की जाती है और हैंडलिंग वगैरह यहाँ पे सारे टेस्टिंग वगैरह यहाँ पे की जाती है। यहाँ पे जो रोड बना हुआ है, काफ़ी बेहतरीन रोड बना हुआ है, जिसको यहाँ पे स्पीड में अगर गाड़ी चला ली जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी स्पीड में गाड़ी चली गई। और एकदम से ब्रेकिंग करना और इस तरीके की जो सारे टेस्टिंग्स वगैरह होती है वो सारे इस रोड पर की जाती है।
स्पीड वेलोसिटी ट्रैक के बाद में यहाँ पे सारी टेस्टिंग्स वगैरह कंप्लीट हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा हमारा टाटा मोटर्स के साथ में। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिली जो कि आज तक हमने नहीं देखी थी, यानी कि क्लाइमेट कंट्रोल टेस्टिंग लैब और एनोनोमिक चैम्बर, जो आज तक का भारत का सबसे पहला चैम्बर टाटा मोटर्स के पास में है। और दोस्तों यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत काफ़ी अच्छा रहा। थैंक यू सो मच टाटा मोटर्स जो आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। और दोस्तों आपको भी अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आपने अभी तक मैन्युफैक्चरिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टाटा मोटर्स प्लांट पुणे का मैन्युफैक्चरिंग का पूरे डिटेल्ड वीडियो वहाँ पे बनाया गया है, जिसको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।